दोस्तों वसंथा मुलाई नाम की ना आज एक तमिल फिल्म देखी है। इसे देखकर जो दिमाग घुमा है ना उसका कहने क्या, आपको लीड एक्टर देखने मिलेंगे बॉबी सिम्हा। ये एक ऐसे तमिल सिनेमा के सुपरस्टार है, इनकी फैन फॉलोइंग भले थोड़ी हो लेकिन जो भी इनके दीवाने, जो भी इनके बारे में जानते हैं उनकी एक्टिंग क्या होती है वो उनके यार कायल है, मतलब हद से ज्यादा दीवाने हैं। और वही उन्होंने यहाँ पे काम करके दिखाया है वसंथा मुलाई नाम की मूवी के अंदर। ये टाइम लूप पर बेस्ड मूवी है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक तेलुगु फिल्म भी देखी थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन वो बहुत ही प्यारी टाइम लूप पर आधारित वो मूवी थी। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो कंसेप्ट है ना बहुत ही जोरदार है। ये हमारे जो हीरो हैं वो एक हिसाब से कंपनी में जॉब करते हैं, उन पर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उनके डॉक्टर उनको उनकी मिसिज को बोलते हैं कि आप लोग ना टाइम स्पेंड करने के लिए ना कहीं दूसरी जगह जाइए, भाई इनका काम बहुत ज़्यादा सिर पर। तो प्लान होता है चलो ठीक है कहीं और चलते हैं। जब वो दूसरी जगह जाते हैं ना एक होटल में वो रुकते हैं, वहाँ पे उनके लिए मिसिज को ना कुछ मतलब प्रॉब्लम होती है, तो वो दवा लेने के लिए जाते हैं मेडिकल स्टोर पर। जब वो वापस आते हैं ना तो वो देखते हैं कि वहाँ पे उनकी मिसिज है ही नहीं, उनको तो उनको लगता है कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर उनको पता लगता है जो खिड़की से कोई चीज़ देखते हैं ना तो ऐसा लगता है दूसरा कपल उनका हमशक्ल वापस आ रहा है। तब उनको पता लगता है कि हम टाइम लूप में फंस चुके हैं। अब वो कैसे फंसे कैसे बाहर आएंगे वो आपको इस मास्टरपीस फिल्म में देखना पड़ेगा। दोस्तों उसका जो कंसेप्ट है ना दिमाग में आपको पूरा घना देगा। फिल्म की सिनेमोग्राफी, फिल्म की परफॉर्मेंस का प्लॉट, इसकी डायरेक्शन, इसकी प्रोडक्शन सब कुछ जोरदार। आराम से एक इंजॉयमेंट करने के लिए एक गजब की साउथ मूवी चाहिए ना तो वो हमें यहाँ पर ये प्रेजेंट करती है। जो भी कोई ये फिल्म देखेगा ना वो एक ही बात बोलेगा लास्ट में आकर, क्या बवाल फिल्म थी यार, मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों इस फिल्म के लिए मेरा छोटा सा रिव्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ऐसी अपडेट्स के लिए आप इसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मूवी का रिव्यू और अपडेट लेकर।